दोस्तों, एक समय वो था जब इंसानों का लेन देन सोना चांदी जैसे सिस्टम के जरिए होता था। मान लो जैसे दाल के बदले चावल या गेहूं के बदले दाल। पर इंसान ऐसे कठिन सिस्टम छोड़कर अब बहुत आगे बढ़ चुका है, अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मोहित धीमान एक और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नए वीडियोस के साथ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इस करेंसी को हर वो शख्स जानता है जो डिजिटल है, जो फोन यूज करता है, जो यूट्यूब वीडियोस देखता है और जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। दोस्तों, इस करेंसी का क्रेज उस दिन से ज्यादा बढ़ गया था जिस दिन से इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसके लिए काफी सारी पोस्ट की थी। दोस्तों, बात यह है कि इलॉन मस्क क्रिप्टो करेंसी को बहुत सपोर्ट करते हैं। उनका साफ कहना है कि आने वाला समय डिजिटलाइजेशन होने वाला है। उनका कहना है कि भले ही हम लोग डिजिटल हो चुके हैं, पर कहीं ना कहीं जिस करेंसी का यूज हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है और आगे का समय बहुत आधुनिक होने वाला है। तो ऐसे में हमें एक ऐसी करेंसी को सपोर्ट करना होगा जो कि अपने आप में एक ब्लॉकचेन सिस्टम पर काम करती हो, जिसके इतने सारे ब्लॉक हों जिसको हैक करना नामुमकिन हो। ऐसी ही एक करेंसी है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर काम करती है और एक ऐसी ही करेंसी की दुनिया को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम जिस सिस्टम पर अपना लेन देन करते हैं आगे का समय आधुनिक होने वाला है। ये सिस्टम हमें कहीं ना कहीं कमजोर नजर आने लगा है और इलॉन मस्क ठहरे आगे की सोच रखने वाले। इसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसका पैसा है, लेन देन सिर्फ उन दोनों के बीच में ही होता है। दोस्तों, जो लोग क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखते हैं वो ये जानते ही होंगे कि बिटकॉइन का जन्म कहां और कैसे हुआ और इसको किसने बनाया। दोस्तों, जो लोग बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, ये कोई लॉन्च हुआ था 3 जनवरी 2008 को। अगर आप उस टाइम सिर्फ 100 रुपए भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते करोड़ों में तब्दील हो गए होते। हाँ दोस्तों, उस टाइम के हिसाब से आपको 100 रुपए में करीब 150 से 200 कॉइन मिलते और आज एक कॉइन की कीमत करीब 15 लाख रुपए के आसपास है। दोस्तों, ऐसे ही ना जाने कितने कॉइन्स हैं जो पब्लिक के लिए फायदे का सौदा बने हैं, पर जितना क्रिप्टो करेंसी में फायदा है उतना ही नुकसान है। इसके पीछे इसका रीजन है स्टेबिलिटी। कभी बिटकॉइन का प्राइस एकदम से ऊपर होता है तो कभी एकदम से नीचे, और कुछ कॉइन तो ऐसे भी आए हैं जिनका आज तक कुछ अता पता नहीं है। दोस्तों, तभी क्रिप्टो करेंसी में लेन देन थोड़ा सीमित है। क्या पता आप कभी शोरूम जाओ कपड़े खरीदने के लिए और वहां पर आप बिटकॉइन देखकर करीब 5 लाख की शॉपिंग कर लो और तभी बिटकॉइन का प्राइस एकदम से 20% से 30% नीचे गिर जाए और ऐसे में शोरूम वाले को नुकसान का सामना करना पड़े। और अगर बिटकॉइन का प्राइस 30% बढ़ जाए तो आपको अफसोस रहेगा कि मैंने आज ही क्यों शॉपिंग की। इसीलिए दोस्तों, बिटकॉइन में या अदर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनका घटना बढ़ना तो तय है। ऐसे में हमें जरूरत है एक स्टेबिलिटी की जो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर रन करती हो और उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो। दोस्तों, RBI जल्द ही एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी पब्लिक के बीच लॉन्च करने वाला है। अभी तो इसका लेन देन सिर्फ बैंक टू बैंक ही किया जाएगा। जितनी भी बैंक्स की अपनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं उसके लिए दोस्तों RBI का कहना है जैसे ही सही समय आएगा तो RBI इसको पब्लिक के बीच में रिटेल में लॉन्च कर देगा। दोस्तों, आप सभी इस बात पर क्या राय देते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें और ये भी बताएं RBI की खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाने का फैसला आपको कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों।